हरे कृष्णा। जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। ना इसमें चीनी होगी और ना ही गुड़, और ये हेल्दी बाइट न्यूट्रिशियस से भरपूर बहुत ही आसान तरीके से तैयार होगी। आप इसको एकादशी के व्रत में या कोई भी व्रत में ले सकते हैं, साथ में ही जब भी मीठा खाने की क्रेविंग हो तो ये वाले जो लड्डू हैं वो आप ट्राई ज़रूर करना। एक पैन या कढ़ाई लेनी है, एक चम्मच घी, उसमें हमें एक कप बादाम, एक कप काजू और एक चौथाई कप पिस्ता डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम गैस पर हमें रोस्ट करना है। आधा कप किशमिश, और इसमें हम हल्का सा किशमिश को रोस्ट करेंगे और उसके बाद में आधा कप इसमें हम खसखस ऐड करेंगे। उसके बाद वापस इसको हमें मिक्स करना है और जैसे ही ये हमारे क्रंची होंगे तब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे ही हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स हमारे क्रंची हो जाएं तो तुरंत एक बाउल में निकालें और इसको ठंडा होने दें। अब हमें लेने हैं 20 से 25 खजूर। तो खजूर के अंदर जो बीज है उसको हमें निकाल देना है और इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो मिक्सी के जार में इसको डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में 3 इलायची, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका पेस्ट तैयार करना है और इसको एक अलग बाउल में निकालना है। वापस मिक्सी के जार को क्लीन कर लें या फिर ना भी करें चलेगा, क्योंकि हमें नट्स इसमें करने हैं। तो जो नट्स हैं उनको भी हमें अच्छे तरीके से दरदरा पीसना है, पेस्ट नहीं करना है इसका, बिल्कुल हल्का दरदरा रहना चाहिए। फ्राई पैन में 1 चम्मच घी लेना है और अपना जो खजूर का पेस्ट है उसको हमें ऐड करना है और लो मीडियम गैस पर इसको हमें लगातार भूनना है। इसको चलाते रहना, नहीं तो ये क्या होता है, जलने लग जाता है। और 3 मिनट के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हमने पीसे थे उनको। मिक्स करना है अच्छे तरीके से और जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, बाइंडिंग करने में आसानी रहती है और फिर इसको हमें करना है ठंडा हल्का सा। तो प्लेट में इसको ट्रांसफ़र करना है और हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा इसके लड्डू बनाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर पिस्ते ऐड कर रही हूँ इसमें और ये हल्का सा, मतलब ऐसा हो गया है कि हाथों में कम लग रहा है। अब इसके हम बनाएंगे लड्डू, लेकिन उससे पहले हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें और फिर थोड़ा थोड़ा सा जितने साइज आपको रखना है। तो जो ड्राई फ्रूट्स लड्डू होते हैं वो बड़े नहीं बनते, छोटे साइज के ही बनते हैं हमेशा। और आपको हमारी भोगा रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि भोगा रेसिपी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट लड्डू हैं न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी बाइट वो बनके तैयार हो गई है। इनको हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स से, साथ में ही तुलसी दल रखें और भगवान श्री जगन्नाथ जी को ऑफर करें। उनको अर्पण करने के बाद ही प्रसाद रूप में लें, क्योंकि शीला प्रभुपाद जी बताते हैं यदि कोई भक्त प्रेम से कुछ भी अर्पित करता है तो कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं। और हमारे हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर ड्राई फ्रूट लड्डू को आप 6 से 7 दिन
फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी क्रेविंग हो तो ये प्रसादम लें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।